हरदोई शहर में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक सिपाही के पुलिस बूथ के अंदर फांसी पर लटकने की जानकारी महकमे में लोगों को मिली। आनन फानन में आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद एसपी राजेश द्विवेदी, एएसपी पूर्वी नृपेंद्र मौके पर पहुंचे। सिपाही के शव को फंदे से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताते चलें कि सोल्जर बोर्ड चौराहे के पुलिस बूथ में सुबह जब ड्यूटी करने के लिए गए पुलिसकर्मियों ने देखा कि एक पुलिसकर्मी का शव बूथ के अंदर फांसी पर लटका पड़ा है। आनन फानन में सूचना एसपी राजेश द्विवेदी को दी गई। मौके पर पहुंचे एसपी ने सिपाही के शव को फंदे से उतरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ये हमारा ट्रैफिक कांस्टेबल था अशोक कुमार यादव, और ट्रैफिक में ही इसकी ड्यूटी थी। अब किन्हीं कारणों से इसने पुलिस बूथ में रात में किसी टाइम सुसाइड कर लिया, फांसी लगा कर, अभी तक कोई कारणों का पता नहीं चला है। इसकी पड़ताल की जा रही है, घर वालों से बात की जा रही है, और जो विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं किन कारणों से ऐसा हुआ है, कहाँ का रहने वाला है, क्या जानकारी है। ये अभी तक तो यही मालूम पड़ा है, देवरिया का है ये, और जहाँ अकेले रहता था उसकी आवाज़ से भी देखा जा रहा है, पता चल सके जो लोग उसके फ्रेंड्स हैं या सर जो ड्यूटी के साथ में उनसे भी बात की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।